उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को सातवीं बार अपने मंत्रिमंडल में विस्तार किया है। सूबे में विधानसभा चुनावों से पहले किए गए विस्तार को बेहद अहम माना जा रहा है। राज्यपाल राम नाईक ने चार नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं एक विधायक जियाउद्दीन रिजवी 10 जुलाई को शपथ लेंगे। इस तरह मंत्रिमंडल विस्तार में पांच नए मंत्री और एक बर्खास्त किए गए बलराम यादव को दोबारा एंट्री मिली है, जिसमें बलराम यादव और नारद यादव को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। जिन नए चेहरों को मंत्रिमंडल में लाया गया है उनमें लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक शारदा शुक्ला के अलावा एसपी के कदावर नेता अंबिका चौधरी, पूर्व मंत्री नारद राय और रविदास मेहरोत्रा शामिल हैं। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।